हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं कॉर्न कबाब। आज की जो मेरी रेसिपी है वो वैलेंटाइन स्पेशल है। वैसे तो लोग वैलेंटाइन में केक बनाते हैं, लेकिन मैंने ये कबाब बनाया है। आप इस वैलेंटाइन में इस कबाब को स्टार्टर में ज़रूर ट्राई करें। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज इस कॉर्न कबाब की रेसिपी को शुरू करते हैं। कॉर्न कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम फ्रेश कॉर्न। इसे मैंने पहले से उबाल के रखा है, आप चाहे तो फ्रोज़न कॉर्न यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। दो उबला हुआ आलू लिया है मैंने, छिलका निकाल लें इसका। एक से दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधे शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, एक तिहाई कप धनिया पत्ता कटा हुआ, एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ लेंगे। नींबू का रस लेंगे 2 छोटे चम्मच। वाइट ब्रेड मैंने लिया है यहाँ पर 4। कॉर्नफ्लोर हम लेंगे 2 बड़े चम्मच। बेसन मैंने लिया है 3 बड़े चम्मच। चावल का आटा हम लेंगे 3 बड़े चम्मच। गरम मसाला पाउडर 1/3 छोटा चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 1/3 छोटा चम्मच। नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना पत्ता यूज़ किया है। एक मैगी मसाला का पैकेट मैंने यूज़ किया है, ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, तो आप ट्राई करें इसे। 1/4 छोटा चम्मच क्रश किया हुआ या फिर पाउडर ब्लैक पेपर लेंगे और तेल हमें चाहिए कबाब को तलने के लिए। सबसे पहले ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें हम ये उबले हुए कॉर्न को डाल देंगे। और ये मैंने डाल दिया। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, जार को बंद करेंगे और इसे हम दरदरा पीसेंगे, इसका हम पेस्ट नहीं बनाएंगे। तो मिक्सर को चलाएं और ऑफ़ करें, चलाएं और ऑफ़ करें। ये देखिए, एक बार स्पून से चेक कर ले इसे, तो इसके किनारे में बहुत सारे ऐसे बड़े दाने दिख रहे हैं जो पीसे नहीं हैं। तो वापस जार का ढक्कन बंद करके हम इसे थोड़ा सा और ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रहे हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है। तो ये मैंने जार को खोला और आप देख सकते हैं कि ये जो कॉर्न है वो कोर्सली ग्राइंडेड यानी दरदरा पिसा हुआ है। तो इसे एक बर्तन में निकाल लें और चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा बाउल लिया है और इसमें इस उबले हुए आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो आलू को मैश भी कर सकते हैं। मैंने इसे इसलिए ग्रेट किया है ताकि कबाब में एक भी आलू के बड़े टुकड़े ना आए। तो दोनों आलू को घिस लिया मैंने। अब जो कॉर्न हमने यहाँ पर हल्का ग्राइंड करके रखा है उसे डाल देंगे इसमें, और इसके बाद इसमें बाकी सारी चीज़ों को मिलाएंगे। तो अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो सबसे पहले नींबू का रस डाल दें, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, हरी मिर्च डाल दें, धनिया पत्ता, बारीक कटा हुआ प्याज। अब हम इसमें डालेंगे ये बेसन, कॉर्नफ्लोर डाल दें, चावल का आटा डाल दें, फिर हम इसमें ये गरम मसाला पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। कबाब जो है वो बहुत ज़्यादा तीखे अच्छे नहीं लगते, इसलिए लाल मिर्च थोड़ा कम यूज़ करें। इसके बाद हम इसमें ये कटा हुआ पुदीना का पत्ता डाल देंगे, फिर हम इसमें ये मैगी मसाला डाल देंगे और लास्ट में हम इसमें नमक डालेंगे। तो ध्यान रहे मैगी मसाला में भी नमक रहता है, तो नमक हिसाब से डालें। फिर इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और ये मैंने मिला दिया इसे। तब हम इसमें ब्रेड डालेंगे। तो ब्रेड डालने के लिए ब्रेड को पहले पानी में भिगोए, इसे अच्छी तरह निचोड़ लें ताकि पानी नहीं रहे, और फिर इसके बाद हम इसे इस मिक्सचर में डालेंगे। अगर आप सूखा ब्रेड डालेंगे तो उससे बाइंडिंग अच्छा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ब्रेड को आप भिगो के डालें, पानी निचोड़ लें अच्छे से, और फिर इसके बाद इसमें हम ये ब्रेड डाल देंगे। अब हम ब्रेड डालने के बाद इसे हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिला लें, ये देखिए। अब हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे। मैं यहाँ पे पहले डालना भूल गई थी, इसलिए लास्ट में डाल रही हूँ। आप चाहें तो सारे मसालों के साथ इसे डालें। और ये मैंने यहाँ पे क्रश किया हुआ काली मिर्च यूज़ किया है, मिला दें इसे अच्छे से। और ये हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है। तो हम इसे ढक के फ्रिज में कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए।
20 मिनट बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला है और यहाँ पे थोड़ा सा तेल रखा है हाथों को ग्रीस करने के लिए। तो हम यहाँ पे हार्ट शेप का एक कुकी कटर लेंगे और उससे हम कबाब बनाएंगे। तो सबसे पहले हाथों को ऐसे ग्रीस कर लें ताकि ये जो मिक्सचर है वो हाथ में चिपके नहीं। अब थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, ऐसे हाथों पे रोल करें, फिर इस मिक्सचर को इस कुकी कटर में डाल दें, ऐसे हल्के हाथों प्रेस करें इसे शेप देने के लिए। ये देखिए, और फिर हम इसे बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे हल्का सा टैप करें, नहीं तो हल्का सा प्रेस करें, तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। और आप देख सकते हैं ये हमारा हार्ट शेप का कबाब ऐसे बन गया है। तो ठीक इसी तरह हम हाथों को और ऐसे कुकी कटर को भी हल्का सा ग्रीस कर लें बीच में, ताकि वो जो मिक्सचर है वो चिपके नहीं इसमें। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें लगा ले रही हूँ और फिर इसे हल्के हाथों प्रेस करके ये देखिए, फिर हम इसे ऐसे प्लेट में निकालेंगे। आप इसे हल्के हाथों टैप करेंगे तो भी ये निकल जाएगा आसानी से, ये देखिए। तो इसी तरह से हम सारे कबाब्स बना लेंगे। आप चाहे तो आइसक्रीम स्टिक या फिर स्क्यूअर में इस मिक्सचर को ऐसे रोल करके सीख कबाब भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो तीन डिज़ाइन दिखाया है। तो यहाँ पे ये पहले पांच मैंने हार्ट शेप के बनाए हैं। तो ये हमारे हार्ट शेप के कबाब तैयार हो गए हैं। अब हम चलते हैं दूसरे डिज़ाइन के कबाब बनाने में। तो हाथों को ग्रीस कर लें अच्छे से और फिर थोड़ा सा मिक्सचर लें, ऐसे रोल करें, और ये हमारा कटलेट शेप का, ये देखिए, आप ऐसे बनाएं कबाब। जैसा शेप आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से हार्ट शेप के बनाए, ये तीन कटलेट डिज़ाइन के, और लास्ट के कुछ ऐसे आप टिक्की जैसा भी इसे बना सकते हैं। ये देखिए, बस हल्का सा इसे प्रेस कर देंगे हम। तो जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो आप उस हिसाब से इस कबाब को बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो डिज़ाइन बनाए हैं, आप देख सकते हैं, ये हार्ट शेप का और ये दूसरी डिज़ाइन। अब हम इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए, ताकि फ्राई करते वक्त ये खुलेगा नहीं। आधे घंटा बाद मैंने कढ़ाई गरम किया। कढ़ाई के गरम होते ही हम इसमें तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छी तरह गरम हो जाने देंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाए मिक्सचर का थोड़ा सा हिस्सा ऐसे तेल में डालें। जब ये ऊपर तैरने लगे मतलब तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हमने ये फ्रिज से कबाब निकाल के रखा है बाहर। गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे तेल के गर्म हो जाने के बाद, और फिर हम इसमें ये कबाब बारी बारी से डालेंगे। तो आप ऐसे इसे सावधानी से डालें तेल में। अगर आप ज़्यादा तेल यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा कबाब एक साथ फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तेल ज़्यादा यूज़ नहीं किया, इसलिए मैंने दो ही कबाब डाले हैं। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम या फिर मीडियम हाई कर देंगे। पहली बार ये थोड़ा सा पैन में चिपकेगा तो इसके लिए फोक यूज़ करें, और फिर हम इसे 1 मिनट तक ऐसे पकने देंगे। फिर हम इसे पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी फ्राई हो जाए। कबाब को हम मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसे हम बीच बीच में लगातार पलटते रहेंगे और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज होने लगा है। तो बस हम इसे किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। तो ये हमारा कबाब जो है वो फ्राई हो चुका है। ठीक इसी तरह हम बाकी के कबाब्स को फ्राई कर लेंगे। फोक से थोड़ा सा ऐसे नीचे से इसे ऐसे हटा दें, फिर हम इसे पकने देंगे। पलटते रहें इसे बार बार, और ये हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो गया है कबाब का, ये देखिए, इसे भी निकाल लें। और ये हमारा हार्ट शेप का जो कबाब था वो फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। तब हम बचे हुए कबाब्स को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो ये जो कटलेट शेप वाला है वो भी डाल दें ऑयल में। गैस का फ्लेम मीडियम या फिर मीडियम हाई रखें। निकाल ले इसे भी। और हम ये लास्ट में ये जो राउंड शेप की टिक्की है उसे भी तल लेंगे। और यहाँ पे मैंने सारे कबाब को फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हार्ट शेप वाला कबाब, और फिर ये कटलेट डिज़ाइन, और ये टिक्की वाली।
तो ये हमारे सारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। आप इस कबाब को पुदीने की चटनी और टमाटो केचप के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बाकी इन दोनों रेसिपी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।